तलाश कदीम के मुअज्जज़ दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद अरसा से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं वो दरियाफ्त कर ली गई है। और तश्वीशनाक बात तो ये है कि दीवार अब गिरने के करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से आगाह करेंगे कि यह दीवार कहाँ मौजूद है और इसके बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफ किया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद है और अहदीस में याजूज माजूज के बारे में क्या इरशादात हैं। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत ज़ुल्क़रनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबालो जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत ज़ुल्क़रनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। हजरत ज़ुल्क़रनैन का जिक्र कुरान करीम में सूरह अल-काफ में मौजूद है, जिसका कुरान करीम में जिक्र है। तारीखी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में कुछ मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफात हैं। तारीख की किताबों के मुताबिक बाज लोगों ने हजरत ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत और सद ज़ुल्क़रनैन यानी ज़ुल्क़रनैन की तमीर करदा दीवार के मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से उल्मा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही ज़ुल्क़रनैन मानते हैं, लेकिन बाज इससे इनकार करते हुए ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्क़रनैन दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आजम ज़ुल्क़रनैन नहीं हो सकते। दौरे हाजिर के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर ज़ुल्क़रनैन को कदीम ईरानी बादशाह सायरस आजम यानी कि अर्श आजम का दूसरा नाम करार देते हैं, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी को इस मिसाक नहीं ठहराया जा सकता। हजरत ज़ुल्क़रनैन के बारे में कुरान करीम में फरमाया गया है कि ऐसे हुक्मरान थे जिसको अल्लाह ताला ने असबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे थे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज की कौम आबाद थी। कुरान करीम की सूरह काफ में बावाला यजूज व माजूज हजरत ज़ुल्क़रनैन के बारे में फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो वहाँ ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबले फहम थी। ताहम जब तर्जमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो बताया गया कि याजूज माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा इनके और हमारे दरमियान एक दीवार तमीर कर दी जाए। इस तरह हजरत ज़ुल्क़रनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार तमीर करवा दी और जो दीवार बनाई गई वो ख्याली और मानी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और तांबे से तमीर की गई, जिससे याजूज माजूज का फितना दब गया। जब दीवार तमीर हो गई तो हजरत ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिस ज़ात ने यह दीवार बनाने और लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ साथ लोगों को ये भी बता दिया गया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत है मगर ये लाजवाल नहीं, बेशक जो चीज़ भी बनती है बलाखिर फना होने वाली है। जब मेरे अल्लाह ताला के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंद खाक कर देगा। अल्लाह ताला का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज व माजूज के हवाले से एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद है, तो याद रहे याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याजूज माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियों को ताराज कर देते हैं। कुरान करीम और रिवायात से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते हैं।
और अपने वैश्याना हमलों में एशिया के मगरब और जनूब में मुसीबतें बरपा करते थे। बाज तारीख दानों ने इनके रिहायशी इलाका को रूस के दरल हकूमत मास्को के आसपास का बताया है और बाज का ख्याल है कि याजूज माजूज का शहर तिब्बत के आसपास पाया जाता है। रही बात के सदे जुल्कनैन कहाँ वाके है, इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में जंगजू कौमों के हमलों से बचने के लिए बनाई थी। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवार दीवार चीन है, जिसकी लंबाई 1200 मील से 1500 मील बताई जाती है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाजे रहे, दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही वो किसी कोहिस्तानी दरा में मौजूद है। बाज मुहक्किकीन का इसरार है कि ये वही दीवार इमारत है जो यमन में मौजूद है। ये हकीकत है कि दीवार इमारत एक कोहिस्तानी दरे में बनाई गई, लेकिन वो सैलाब को रोकने और पानी जखीरा करने के मकसद के लिए बनाई गई है और वो भी लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। जबकि उल्मा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकास में दरियाए हजर और दरियाए स्या के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दरा भी मौजूद है जो कि मशहूर दरा दरयाल है। यहाँ अब तक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्कनैन यानी कि सदे जुल्कनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्कनैन बहुत मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या सुराख करके याजूज माजूज का आना नामुमकिन है, लेकिन जब अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करते हुए जमीन के बराबर कर देगा। वादे से मुराद क्यामत के करीब याजूज मजूज का जहूर। प्यारे दोस्तों, इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से तफसीर फरमाया गया है और एक हदीस में आता है कि याजूज मजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला का वक्त मुकर्रर होगा और मुकर्रर वक्त आन पहुंचेगा तो वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फितना फसाद फैलाएंगे, इंसानों तक को खाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज मजूज का मुकाबला किसी के बस की बात नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की शदीद किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज मजूज के लिए बददुआ फरमाएंगे और अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो फोड़ा बन जाएगा और इसके फटने से ये खुद ब खुद हलाक होना शुरू हो जाएंगे और ये सब के सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक बालिश्त भी ज़मीन खाली नहीं होगी और हर तरफ इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन के बराबर के परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर ना जाने कहाँ फेंकते हैं। फिर बारिश होगी और ज़मीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।